कम से कम 10 दिन तक उन फॉरेनर्स को हमें ट्रैक करना चाहिए कि वो कहां पर हैं और क्या कर रहे हैं। इस तरह का एक मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी जब अभी ऑस्ट्रेलिया से और मलेशिया होता हुआ जब इधर लौटा तो माथे पर थोड़ा एक बस वो मशीन लग से टेम्परेचर चेक कर लेते और छोड़ देते। और यदि किसी को मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल अपने को ही रखता हूं, आगे मुझे 7 दिन या 10 दिन बाद कोरोना हो जाए तो कोई ट्रैकिंग सिस्टम तो है ही नहीं, हमको ट्रैक करना पड़ेगा, खास करके जो फॉरेनर्स अपने देश में आ रहे हैं उनको। और अपने देश की भी जो एनआरआईज है, चाहे बिजनेसमैन है चाहे प्रोफेशनल्स हैं डिफरेंट प्रोफेशंस में, उनको हमें 7 से 10 दिन ट्रैक करना चाहिए। इसके अलावा पूरे देश को पैनिक होने की जरूरत नहीं। अब मैं कल मरकच्चो में गया, वहां भी कुछ लोग मास्क लगाए हुए। मैंने कहा भैया मरकच्चो वालों, तुमको क्यों मास्क लगाने की जरूरत पड़ रही है? तुम्हारे यहां ना कोई फॉरेनर आ रहा है ना कोई एनआरआई आ रहा है, तुमको कोरोना होने वाला नहीं है। तो भारत की 70% आबादी से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि ना किसी सैनिटाइजर की उनको जरूरत है, हाइजीन की जरूरत है, स्वच्छता तो हमेशा रखनी चाहिए, लेकिन ये सैनिटाइजर का बिजनेस इतना बढ़ा दिया, सब जगह सैनिटाइजर ही खत्म हो गया, सब जगह मास्क खत्म हो गए, ना कोई मास्क की जरूरत है गांव वालों को। हां, यदि उनके संपर्क में कोई एनआरआई आता है, यदि उनके संपर्क में कोई फॉरेनर आता है तो उनको जरूर प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। लेकिन ये 70% लोगों के संपर्क में ना कोई एनआरआई आता है ना कोई फॉरेनर आता है।